आयशा, वो एकदम से जानमाज पर बैठ के मुझ छुपा लिया तुमने। तस्बीह पढ़ रही हो, इतना भी नहीं सोचती कि कोई और बंदा भी है इस घर में। वो अकेला क्या करे, घर खाली हो गया है इसीलिए तो तस्बीह पढ़ रही हूं। कहीं ऐसा ना हो कि कोई जिन भूत या चुड़ैल घर में बसेरा कर ले। चुड़ैल? अरे तुम्हारे होते हुए किसी चुड़ैल की मजाल है? जानमाज़ पे बैठी हूँ, दिल से अगर कोई आ निकल गई ना तो कहीं ऐसा ना हो कि कोई चुड़ैल वाकई में टकरा जाए आपसे। बूटा हाल हमारा जाने है, जाने न जाने गुल न जाने तो सारा जाने है। मैं आपको पूरे घर में ढूंढती रही हूँ, मुझे क्या पता था आप यहाँ पार्क में चिपक कर रह गए। ओहो, तुम तो इस वक्त तस्बीह में लगी हुई होती हो, ये आज खिलाफ तवक्कु मुझे कैसे याद कर लिया तुमने? वो मुनीब का फोन आया था ना। मुनीब का फोन आया था? अच्छा, अल्लाह का शुक्र है साथ खैरियत के सब पहुंच गए वहाँ। शुक्र है। तुम शुरू हो गई होगी उससे मेरी शिकायत करना, है ना, कि वक्त पे खाना नहीं खाते, दवा नहीं लेते। नहीं, मैंने उससे ऐसा कुछ नहीं कहा। मैंने तो बस उससे कहा कि नफीसा आई थी तुम्हारे जाने के बाद, तो मैंने उसको यहीं ठहरा लिया है, दो चार दिन हमारे साथ ही रहेगी। तो फिर उसने क्या कहा? वो क्या कहता? कहने लगा आपका घर है, मुझसे इजाजत क्यों मांग रही है। जाहिर है, वो कहता और क्या कहेगा, उसे परवाह थोड़ी है, गुजरेगी तो उस औरत पे जिसका घर है। उसका घर होता ना तो छोड़ के जाती इस तरह से? निकल आई ना तुम्हारे अंदर से बुरी औरत जिसको सास कहते हैं। इस बार तो मुझे आपके अंदर से बुरी औरत बोलती हुई नजर आ रही है। अल्लाह बख्शे, अगर हिना की माँ जिंदा होती ना तो वो भी मुझसे इस तरह से बात ना करती। अरे, बच्ची को दो दिन के लिए अपने पास क्या ठहरा लिया, आप तो किसी समधन की तरह से बातें करने लगे मुझसे। अच्छा छोड़ो, ये बताओ उसने और क्या कहा? तुमने उसे ये पूछा कि वहाँ उन लोगों के लिए रहने का कोई बंदोबस्त हो गया कि नहीं? मुझे कुछ नहीं पता। अरे आयशा, बात तो, अरे कमाल करती हो, बात तो सुनो भाई।